नीट कब होगा, यही जानना है ना यार। अगर तुम ये जानने के लिए YouTube पे घूम रहे हो और वीडियोस को सर्च कर रहे हो ना, तो आप बिल्कुल गलत रास्ते पे हो। अपने दिमाग को समझाओ कि तुम्हें नीट की डेट से मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि एट प्रेजेंट टाइम, इस समय, इस दिन, आज के दिन, अभी मेरी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, मेरे को कितना आता है, मेरा सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है। चलो मैं तुम्हें नीट की एक्सपेक्टेड डेट बता देता हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया कि जून के लास्ट में होगा। पता है तुम क्या करोगे, इसी वीडियो पे नहीं रहोगे तुम, डिसलाइक करके, गलत कमेंट करके किसी दूसरे वीडियो पे जाओगे। वो बोलेगा कि नीट अगस्त में होगा, तुम बोलते हाँ बात तो सही बोल रहा है, अगस्त में हो सकता है। कोई बोलेगा जुलाई, जुलाई पे लिखा, अरे ये बोल रहा है जुलाई में होगा। ये करने से हो क्या जाएगा, दिन के कुछ घंटे वेस्ट हो जाएंगे बस। जब मैं नीट दे रहा था ना यार, ये चीजें रियलाइज होती हैं आदमी को। तुम्हें भी जस्ट नीट देने के बाद, एक साल बाद जब तुम एनालाइज करोगे ना कि यार मैं क्यों नहीं कर पाया, तो तुम्हें यही पता चलेगा कि मैं तो ये टाइम पास करता रहता था, मैं तो ये चीजें देखता रहता था। लोग वीडियो बनाएंगे, सब लोग वीडियो बनाएंगे इस चीज पे, बिकॉज क्रिएटर्स को व्यूज की जरूरत है। और आजकल नीट एस्पिरेंट की ये हालत हो रही है कि तुम्हें सिर्फ 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 घटिया कंटेंट देखना है। तुम्हें ये देखना है कि नीट कब हो रही है, मैं फिजिक्स में कैसे नंबर ला सकता हूँ। हाँ, फिजिक्स में नंबर लाने के लिए तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने हैं, तुम पढ़ोगे नहीं, बस तुम्हें ये चाहिए कि तुम्हें को ये बता दे कि तुम्हारे 180 में से 180 कैसे आ सकते हैं। भाई वो जान के क्या करोगे कोई, हाँ बायो में 360 में से 360 कैसे लाएं, केवल एक महीने में, केवल 15 दिन में, केवल 2 महीने में, ये बुक कर लो, वो बुक कर लो, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। करना कुछ नहीं है, बैठना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, टेस्ट नहीं देने हैं। टेस्ट देने से डर लगता है, कब तक करते रहोगे ये सब, कब तक चलेगा, मुझे बताओ ना। क्रिएटर्स आज के दिन पर मजबूर हो चुके हैं कि वो ऐसी वीडियोस बनाएं, क्योंकि तुम उनकी एजुकेशनल वीडियोस नहीं देखते हो। तुम, हाँ भैया फिजिक्स कहाँ से करें, चलो मैं बोलता हूँ उम्मीद बैच ले लो। अगर तुमने फिजिक्स अभी शुरू भी नहीं करी है ना, तो उम्मीद बैच लो, सारे लेक्चर देखता रहो। लेकिन मेरे को पता है 90% बच्चे जब लेक्चर देखने जाएंगे ना और स्टार्ट करेंगे, चलो SHM पढ़ते हैं, 7 घंटे का लेक्चर देख के 1 घंटे का भी नहीं देखेंगे, वो वहीं पर रुक जाएंगे और फिर बोलेंगे भैया हमारे तो नंबर ही नहीं आते। ओहो, फिर वो गवर्नमेंट की गलती निकालेंगे, अरे सीट्स ही नहीं है, फिर वो कुछ और करेंगे। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि बस यार यहीं रुक जा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, जा बैठकर पढ़, अपने मन को समझा। नीट की डेट जब अनाउंस होनी होगी तब हो जाएगी। तुम लोगों के व्यूज बढ़ा करके नीट की डेट नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो बुरा लगा हो ना, सच तो ये है, सच यही है, अगर आपको वीडियो बुरा लगा हो डिसलाइक करके जाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू motivating and a good thing. Thank you so much for watching. Bye.